सर प्लांट्स दो तरह की मूवमेंट शो करवा रहे हैं, एक होती है ऑटोनॉमिक और एक होती है पैराटोनिक मूवमेंट्स। अगर हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की बात करें, ये इनहेरिट होती है, इनहेरिट मतलब इंटरनल होती है, इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, जो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है वो ऑटोनॉमिक कहलाती है, और जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है जो बाहर की तरफ से कोई स्टिमुलस मिल रहा होता है, देन प्लांट्स जो रिस्पॉन्स शो करेंगे और जहाँ कोई मूवमेंट करेंगे देन वो क्या कहलाएगी, पैराटोनिक मूवमेंट्स। अब इंटरनल मूवमेंट्स जो है वो सॉरी इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से जो आ रही होती है, इट्स मीन इनके डीएनए में कोई चेंजेस आ रही होती है, तो डीएनए में कोई चेंजेस आने की वजह से जो मूवमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, इनहेरिटेंस कहलाएगी, इनहेरिटेंस इनहेरिट कहलाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसके फर्दर थ्री टाइप्स है वो डिस्कस करते हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स के थ्री टाइप्स है, टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर प्रेशर मूवमेंट्स एंड ग्रोथ मूवमेंट्स। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। टैक्टिक मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो टैक्टिक मूवमेंट्स क्या होती है, द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स इंटायर ऑर्गेनिज्म और सेल्स ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। स्टूडेंट्स इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से प्लांट्स की मूवमेंट, प्लांट्स की जो सेल्स है उसके मूवमेंट्स, उसके सेल्स के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं, उनके मूवमेंट्स क्या कहलाती है, टैक्टिक मूवमेंट्स कहलाती है। अगर हम टैक्टिक मूवमेंट्स की भी अगर फर्दर टाइप्स के की बात करेंगे तो उसमें आएगा फोटो टैक्टिक मूवमेंट्स एंड कीमो टैक्टिक मूवमेंट्स। स्टूडेंट फोटो नेम से पता चल रहा है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो फोटो टैक्टिक मूवमेंट्स में होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी होगी प्लांट्स की मूवमेंट, किस वजह से, इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से, लेकिन वो स्टिमुलाई है कौन सा, लाइट का स्टिमुलाई है, और स्टिमुलाई है किसका, लाइट का। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट, लाइट के स्टिमुलाई की वजह से जो मूवमेंट प्लांट शो करती है वो क्या कहलाती है, फोटो टैक्टिक मूवमेंट्स। अगर हम फोटो टैक्टिक मूवमेंट्स की एग्जांपल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट्स आती है इसमें, क्लोरोप्लास्ट मतलब इसके इंटरनल, इनके अंदर चेंजेस आ रही है, कैसे आ रही है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या, सनलाइट आ रही है, ये प्लांट्स का न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर क्या पड़ा है, क्लोरोप्लास्ट। अब ये स्टूडेंट्स होगा क्या कि जब यहाँ पर सनलाइट का एक्सपोजर होगा तो ये इधर से मूव करके पूरे का पूरा, ये जो इसका ये वाला ऑर्गेनेली है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये मूव करेगा इधर, अगर कुछ देर बाद अगर सन की एक्सपोजर इधर हो जाती है तो देन ये मूव करके आ जाएगा इधर। इसी तरह अगर सन की एक्सपोजर इधर हो जाती है तो देन क्या आएगा, ये ही वाला मूव करके इधर आएगा, तो आपने देखा पूरे सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है, तो इस तरह की जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगी, फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहलाएगी, किस वजह से, सन की वजह से। तो स्टूडेंट्स इसके जो जो पार्ट्स की मूवमेंट है वो क्या कहलाती है, साइक्लोसिस, जो पार्ट्स ऑफ सेल है, जो सेल की जो मूवमेंट्स होती है वो साइक्लोसिस कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हम जो है ये पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, द मूवमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड्स लाइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस। ये जो मूवमेंट्स हो रही थी ना सेल की, जैसे सेल का ऑर्गेनेलिस को साइक्लोसिस कहलाती है। अब यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट हुई है किसकी तरफ, लाइट की तरफ, ये लाइट की तरफ मूवमेंट किस लिए करते हैं, कोई ना कोई रीजन भी होगी ना जो जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं लाइट को, उसकी वजह ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करते हैं, किसकी फिक्सेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर रही होते हैं देन क्या कहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का मतलब परफॉर्म कर रही होते हैं। स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। अगर हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स की बात करें तो इसी होते हैं, इसमें जो एग्जांपल्स की हम बात करें तो मूवमेंट ऑफ स्पॉर्म्स ऑफ लिवरवर्ट्स मोसीज एंड फर्न्स। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये आपने पुराने प्लांट्स पढ़े थे लाइक मोसीज जो है ब्रियोफाइट्स वाले जो है उसमें पढ़े थे, ये ब्रियोफाइट्स में से आता है कि उसमें एक आर्चिगोनिया थी, आर्चिगोनिया ये फीमेल का पार्ट है। अगर आप आर्चिगोनिया की बात करें जो फीमेल का पार्ट है, ये इसका ओवम है डियर स्टूडेंट्स, इस ओवम के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, इनका क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या रिलीज करेगा, एक केमिकल रिलीज करेगा, ओवम कौन सा, आर्चिगोनिया के अंदर है ओवम, ओवम को एक्चुअली एड बोलते हैं, एड के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होगा ये केमिकल रिलीज करेगा, केमिकल से रिलीज करेगा, ये केमिकल्स इसने यहाँ से बाहर रिलीज किए, तो ये जो स्पर्म होगा ये इन केमिकल्स की तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स द केमिकल, ये केमिकल की तरफ मूव करेगा और ये इस तरह इसके अंदर आ जाएगा और इस तरह इनकी फ्यूजन हो जाएगी, फ्यूजन से क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइज यहाँ पर क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह जो है ये स्पर्म की टूवर्ड्स या केमिकल मूवमेंट क्या कहलाती है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट्स ऑफ स्पर्म्स ऑफ
लिवरवर्ट्स, ये प्लांट्स के नेम लिखे हुए हैं, स्पर्म्स ऑफ लिवरवर्ट्स, मोसेस एंड फर्न्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लिक एसिड ऑफ ओवा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास टेक्टिक मूवमेंट्स की टाइप्स। अब हमने ये डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टर्गर प्रेशर मूवमेंट्स। डियर स्टूडेंट, टर्गर प्रेशर मूवमेंट ये क्या होता है? टर्गर प्रेशर मूवमेंट जो होती है, एक्चुअली नेम से पता चला, टर्गर टर्गर में होता है सेल का टर्जर हो जाना, मतलब है इसमें वाटर लॉस और गेन होगा। जो वाटर लॉस और गेन होगा इसके रेस्पॉन्स में जो प्लांट्स हो गए वो मूवमेंट शो करेंगे, उसको कहेंगे टर्गर प्रेशर मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू डिफरेंशियल चेंज ऑफ टर्गर प्रेशर, मतलब ये कि टर्गर प्रेशर के अंदर जब डिफरेंशियल चेंज आएगा कि इसके अंदर वाटर लॉस होगा या वाटर गेन होगा, या जो कह लेते हैं सेल टर्जिड होगा या फ्लैसिड होगा, देन जो ये मूवमेंट शो करेंगे वो टर्गर प्रेशर मूवमेंट कहलाती है। तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू डिफरेंशियल चेंज ऑफ टर्गर प्रेशर एंड साइज ऑफ सेल्स, और सेल का साइज में भी डिफरेंस आ रहा होता है, तो डेयर स्टूडेंट ये कहलाती है टर्गर प्रेशर मूवमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके टू टाइप्स है, एक है स्लीपिंग मूवमेंट्स, एक होती है रैपिड मूवमेंट। स्लीपिंग मूवमेंट्स, अगर हम स्लीपिंग मूवमेंट्स की बात करें डेयर स्टूडेंट, स्लीपिंग मूवमेंट्स में क्या होता है कि एक प्लांट्स है, लाइक एक प्लांट्स क्या करेगा, मॉर्निंग में वो उठ जाएगा और इवनिंग में सो जाएगा। कि प्लांट्स है उसके लीफ यू देख ले कि ये मॉर्निंग क्या उठ गया है, और अगर इवनिंग हो गई तो इवनिंग में सो गए हैं, वो किस तरह का होगा। डेयर स्टूडेंट्स, ये हम एक हमने ना प्लांट्स के जो लीव्स है उसको ड्रा किया है, ये पटियोल है और ये क्या चीज़ है, ये लीफ है, ये पटियोल है, पटियोल कहते हैं इसकी डंडी को, जो फूल की डंडी होती है उसको पटियोल कहते हैं। जैसे स्टूडेंट स्किन के दरमियान में एक स्वोलन पार्ट होता है, स्वोलन पार्ट मतलब एक फूला हुआ हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं पल्विनस। पल्विनस हम इसका भी देखेंगे कि पल्विनस का रोल क्या है इसमें। तो डेयर स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये मॉर्निंग टाइम जो लीफ है देखो ऊपर को उठा हुआ है, अगर हम इवनिंग टाइम देखें तो लीफ नीचे हुआ, लीफ राइज एट अ मॉर्निंग टाइम एंड लोअर देयर लीफ एट अ इवनिंग टाइम, ये इवनिंग में क्या कर रहा है, लोअर कर रहा है। एक्चुअली ये लिग्योम प्लांट्स में ऐसा होता है, कौन से प्लांट्स में होता है ऐसा, लिग्योम प्लांट्स में होता है। डेयर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था, ये स्लीपिंग मूवमेंट। स्लीपिंग मूवमेंट्स में हम किसे देख रहे हैं, पल्विनस को। एक्चुअली यहाँ पर पल्विनस में क्या होता है, पल्विनस जो होता है ये स्वोलन पार्ट होता है, ये हमने पल्विनस बनाया हुआ है, स्वेल पार्ट ऑफ पेटियोल। ये जो पेटियोल है या ये जो डंडी है लीफ की, लीफ और इस डंडी के दरमियान में स्वोलन पार्ट जो है उसको पल्विनस बोलते हैं। इट इज कम्पोज ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, ये पैरेन्काइमा सेल्स पे कम्पोज करती है सेंट्रल स्पेसीज, ये सेंट्रल स्पेसीज रखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट होता क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमने प्रवीनस बनाई हुई है, इसके ये टू पार्ट्स हैं और ये दो सेल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, शाम के वक्त जब यहाँ पर जो देखें अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा, देन क्या होगा, इस ये वाला जो इसका सेल है ये वाटर को क्या करेगा, लूज करेगा, ये वाटर को लॉस करेगा, अपनी बॉडी से निकालेगा। तो देन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि जो सेल टर्जिड था वो फ्लैसिड हो जाएगा, ये वाला सेल का जो फूला हुआ सेल है ये क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। अब डेयर स्टूडेंट यहाँ पर देखें हो क्या रहा है कि ये जो नीचे वाला सेल है ये फ्लैसिड हो गया, टर्जिडिटी कम हो गई है, ऊपर वाले की टर्जिडिटी ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा कि ये लीफ नीचे की तरफ झुक जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। जैसे ही डेयर स्टूडेंट सुबह होनी स्टार्ट होगी तो फिर देन क्या होगा कि ये जो वाटर है ये इसके अंदर जाएगा, वाटर ये वाला जो सेल है ये टर्जिड होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला सेल है ये क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, इसकी टर्जिडिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, मॉर्निंग में ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो मैं हम डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था, हम जो डिस्कस कर रहे थे स्लीपिंग मूवमेंट्स कर रहे थे कि किस तरह प्लांट मॉर्निंग में क्या करता है, उठ जाता है, और इवनिंग में क्या कर जाता है, स्लीप कर जाता है, सो जाता है। तो ये हमने पल्विनस को डिस्कस के लिए रिजल्ट क्या देखा गया है, अराइज देयर लीफ ड्यू टू ट्रेजिडी ऑफ पल्विनस, पल्विनस की जो ट्रेजिडी की वजह से इसने अपने इसको क्या किया हुआ है, लीफ को राइज किया हुआ है, लोअर देयर लीफ टू ड्यू टू लॉस ऑफ पल्विनस, पल्विनस के लॉस की वजह से, पल्विनस के अंदर लॉस किस चीज़ का, वाटर का, इसकी ट्रेजिडी की लॉस की वजह से, तो ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है ग्रोथ मूवमेंट। जैसा ग्रोथ मूवमेंट ये थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं, किसके, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की। ग्रोथ मूवमेंट्स में क्या होता है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की मूवमेंट होगी किस वजह से, ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑफ अपोजिट साइज ऑफ ऑर्गन्स,
मतलब एक साइड पे ग्रोथ कम हो रही होगी और एक साइड पे ग्रोथ क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी। ये जब अनइक्वल डिफरेंस आ जाएगा, जब अपोजिट मूवमेंट्स आ जाएगी, तो देन क्या कहलाएगी, ये ग्रोथ मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ आर्गन। इनमें एग्जाम्पल अगर आर्गन देखे, कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं, लीफ हो सकते हैं, टेंड्रिल्स हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट, ये टेंड्रिल्स क्या है, टेंड्रिल्स आपने बेलें देखी होगी, जो बेल होती है उसके ना वहाँ से बारीक बारीक से धागे से निकली होती है, फाइबर से, उनको बोलते हैं टेंड्रिल्स। तो यहाँ पर थ्री टाइप्स है, अगर हम ग्रोथ मूवमेंट की बात करें, इसकी थ्री टाइप्स है, एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी, न्यूटेशन। एपिनेस्टी में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एपिनेस्टी में ये होता है कि प्लांट्स के जो बर्ड्स है उसके जो अपर सरफेस है वो क्या करेगी, फास्ट मूवमेंट करेगी, और जो लोअर सरफेस है वो स्लो मूवमेंट करेगी। तो देन उसके नतीजे में क्या होगी, जो बर्ड है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जब बर्ड क्लोज हो गई या ओपन हो गई, जब अपर सरफेस क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, ग्रो करेगी फास्ट, देन क्या हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगी। इसको बोलते हैं एपिनेस्टी। अगर क्या हुई, बर्ड इस तरह से, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो लोअर सरफेस है वो मूव कर रही है, लोअर सरफेस ग्रो कर रही है, लेकिन ये जो अपर सरफेस है ये स्लोली मूव कर रही है, देन क्या होगा, ग्रो, ये बर्ड जो है ये क्लोज हो जाएगी। तो नेक्स्ट जहाँ पर हम डायग्राम में देख लेते हैं, जो हमारे पास एक बर्ड है, लीफ है, लीफ के अंदर ये बर्ड है, इसमें देखो ये इसकी जो अपर सरफेस है, जो लोअर सरफेस, अपर सरफेस में क्या हो रहा है, ये अपर सरफेस जो है ये ग्रो कर रही है, ज़्यादा कर रही है एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस। तो इसके नतीजे में बर्ड ओपन हो जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पर लोअर सरफेस जो है, लोअर सरफेस ज़्यादा मूव कर रही होगी, ग्रो कर रही होगी, और अपर सरफेस जो है ये ग्रो नहीं कर रही होगी, इसके नतीजे में क्या होगा, बर्ड जो है ये क्लोज हो जाएगी, इसको बोलेंगे हाइपोनेस्टी। नेक्स्ट हमारे पास म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, म्यूटेशन एक्चुअली जिगजैग मैनर मूवमेंट को कहते हैं। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ यंग स्टेम, यंग स्टेम की ये जो टिप है, यहाँ पर इस टिप को बोलते हैं एपिक्स, इस टिप को क्या बोलेंगे, एपिक्स। डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ यंग स्टेम इन अ जिगजैग मैनर ड्यू टू अल्टरनेट ग्रोथ ऑफ एट अपोजिट साइड ऑफ एपेक्स। यहाँ पर अल्टरनेट ग्रोथ हो रही होगी, सही से एपेक्स है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस तरफ ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाएगी, देन ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, कभी ये ऊपर की तरफ, कभी ये नीचे की तरफ, तो इस तरह ये क्या करेंगे, जिगजैग मैनर में इनके स्टेम मूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या थी हमारे पास म्यूटेशन थी, हमने जो डिस्कस किया वो ग्रोथ मूवमेंट्स थी, इन थ्री टाइप्स को डिस्कस किया। हमारा जो ऑटोनॉमिक वाला है, मूवमेंट्स वाला टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पैराटोनिक मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।